तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस अमर बेल की बहुत ही चमत्कारी रहस्यमयी गुप्त बातें बताऊंगा जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो आज मैं आप लोगों को इसकी जो रहस्यमयी तांत्रिक प्रयोग है, जो अचूक टोटका है, अचूक प्रयोग है, जिसे करने पर आपके जीवन में हमेशा सुख शांति बने रहेगी और आप अलौकिक शक्ति प्राप्त कर सकते हो। इतनी ज़्यादा इसमें खासियत है, तांत्रिक गुण है, इसमें रहस्यमयी चमत्कारी शक्तियाँ हैं। उन सभी शक्तियों को और प्रयोगों को किस तरह से किया जाता है और किस तरह से शक्तियों को प्राप्त किया जाता है, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। यह अनुभूत है, परीक्षित है, आप इसे आजमा करके देख सकते हो, 100% लाभ आपको अवश्य होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस अमर बेल को आकाश बेल भी कहा जाता है, वैसे अलग अलग क्षेत्र में इसके अलग अलग नाम भी हो सकते हैं। यह अमर बेल परजीवी पौधा होता है जो कि किसी भी वृक्ष में यदि लग जाए तो उस वृक्ष को विनाश कर देता है, उसको चूसता रहता है और उसी की भोजन को अपना भोजन बना करके अपना जीवन यापन चलाता है। दोस्तों, यह जिस तरह से जिस पेड़ में लिपट जाता है उस पेड़ को पकड़ के रखता है, पूरी तरह से बांध के रखता है, उसी तरह से इसमें भी एक रहस्यमयी गुण यह है कि यह जो घर परिवार में जिसकी 2-3 बीवियां होती है या फिर 2 सौतने होती है, जिस भी व्यक्ति का 2 पत्नी हो या फिर घर में बहुत ज़्यादा सदस्य हो और आपस में हमेशा लड़ते रहते हों, तो उनके लिए यह अचूक प्रयोग है, महत्वपूर्ण चमत्कारी प्रयोग है। 2 सौतनों के बीच कभी झगड़ा नहीं होने देगा। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर 2 सौतने होती है तो उनकी पटरी कभी नहीं जमती है, लेकिन ये अमर बेल इतना प्रभावशाली है कि उन दोनों के बीच में कभी झगड़ा पैदा होने ही नहीं देगा। दोनों बहनों की तरह आपस में हमेशा रहेंगी और हमेशा सुख शांति से जीवन यापन करोगे। तो इस प्रयोग को आप जान लीजिए और करके देख लीजिए, आपका सुख शांति हमेशा बरकरार रहेगा और आप खुश रहोगे। तो उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, दोस्तों रवि पुष्य नक्षत्र में यानी रविवार को जब पुष्य नक्षत्र लगे तो उस नक्षत्र में आपको अमर बेल लाना है और अमर बेल लाने के बाद उस अमर बेल में 3 गांठ लगाना है, एक पति के नाम पे, एक उसके पत्नी के नाम पे और एक उसके सौतन के नाम पे। तो तीनों के नाम पे एक एक गांठ बांध करके आपको सूखे नारियल की गिरी निकालना है। सूखे हुए नारियल को निकाल के उसमें आपको एक छेद करना है छोटा सा, और उस छेद में ये 3 गांठ वाली अमर बेल की लता को आप उसमें अंदर डाल दीजिए और अंदर डालने के बाद उसमें शुद्ध पारद खरीद करके ले आइए दवाई की दुकान से या फिर पंसारी के यहाँ से, आपको पारद मिल जाएगा। अगर पारद ना मिले तो पारद भस्म भी काम आ जाएगा। तो आप शुद्ध पारद ला करके उस पारद को भी नारियल की गिरी में अमर बेल की लता के साथ अंदर डाल दें। अंदर डालने के बाद किसी चांदी की परत से यानी छोटी चांदी की परत से, सिर्फ चांदी की धातु की परत होनी चाहिए, उस चांदी की परत से आप उसके नारियल की जो गिरी का दरवाज़ा छोटा सा छिद्र करे रहोगे उस छिद्र को बंद कर दीजिए। अब इस तरह से बंद करने के बाद आप उस गिरी को घर में गाड़ दीजिए, घर में जहाँ पूजा स्थान होता है वहाँ पे भी गाड़ सकते हैं या फिर दरवाजे में भी गाड़ सकते हैं, जहाँ भी आपको अच्छा लगे वहाँ आप घर में गाड़ दीजिए उस नारियल की गिरी को। इस तरह से करके आप यदि आप घर में इस तरह का प्रयोग करके रखते हो तो जब तक आपके घर में नारियल की गिरी दबा रहेगा, गड़ा रहेगा, तब तक आपके घर में कोई कलह कलेश कलंक नहीं मचेगा, किसी भी प्रकार की किसी के मन में कोई द्वेष भावना पैदा नहीं होगी, ना ही किसी भी प्रकार की आपस में मतभेद होगा, हमेशा प्यार और सुख शांति बना रहेगा। आप इसको आजमा करके ज़रूर देखना अगर आपको इसकी आवश्यकता है तो, बहुत ही अचूक प्रभावशाली प्रयोग है दोस्तों।
आप ज़रूर इसका लाभ उठाइए और खुश रहिए। अब मैं आप लोगों को इस अमर बेल का और एक महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूँ, जो कि बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी है और बहुत ही चमत्कारी है, जो शायद आपको सुनने में विश्वास ना आए, लेकिन करोगे तो अवश्य विश्वास आएगा, क्योंकि यह जितना फलदायी है उतना करने में भी थोड़ा सा कठिन है। जो भी इस कठिनाई को पार कर लेगा वह अवश्य ही इस चमत्कारी अलौकिक शक्तियों का मालिक हो जाएगा। दोस्तों, इस चमत्कारी प्रयोग को बताने से पहले मैं आप लोगों को हमारे गांव देहात में इस अमर बेल से जो औषधि प्रयोग होता है उस प्रयोग को मैं आप लोग को बता देता हूँ। अमर बेल को रीठे की छाल के साथ पीस करके खाज खुजली में लगाने से खाज खुजली नष्ट होता है, और अमर बेल की रस को निकाल करके पेट में लगा करके आग से सेकाई करने पर पेट में जो वायु गोला रहता है, वायु भरा रहता है, वह भी नष्ट हो जाता है। दोस्तों, इस अमर बेल की रस को लगाने से गले का जो कंठमाला होता है, गंठमाला भी बोलते हैं, वह आसानी से दूर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अमर बेल के रस को पिलाने से पीलिया रोग भी शांत होता है, पीलिया में बहुत ही ज़बरदस्त लाभ मिलता है इस अमर बेल का रस पीने से। और इसके अलावा दोस्तों, इस अमर बेल के रस को यदि आप गंजे सर पे लगाते हो प्रतिदिन, तो आपके सर में बाल घने और मुलायम और मजबूती से फिर से नया उगने लगता है, मतलब यह गंजे सर को भी घना करने में सहायक होता है इस अमर बेल के रस। तो दोस्तों, ये थी इस अमर बेल की कुछ औषधीय फायदे। अब मैं आप लोग को वह चमत्कारी रहस्यमय गुप्त जानकारी बता रहा हूँ, जिससे आप प्रयोग करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, लेकिन इतनी खुशी पाने के लिए आपको थोड़ा मेहनत भी करना पड़ेगा। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए और प्रयोग को कीजिए। अगर इसकी शक्तियों को कोई पाने की इच्छा रखता है तो इस प्रयोग को कर सकता है। दोस्तों, इस अद्भुत शक्ति देने वाला यह अचूक प्रयोग है। इस प्रयोग को करने के बाद आप आसमान में उड़ सकते हो, अदृश्य हो सकते हो, छिप सकते हो, आपकी किसी भी प्रकार की जहर से मृत्यु नहीं हो पाएगी, ना ही आप अग्नि से जलोगे, ना ही आपके शरीर में अस्त्र शस्त्र का कोई असर होगा, और ना ही आप कमज़ोर रहोगे, आपका शरीर वज्र के समान मजबूत हो जाएगा, इस तरह से शास्त्रों में कहा गया है। तो आप देख लीजिए, इसका प्रयोग इस तरह से है। आप शुद्ध पारद ले लीजिए, शुद्ध पारद ही लेना है आपको। उसके बाद उस शुद्ध पारद को अमर बेल का रस में एक पहर तक शोधन करना है, उसे गर्म करना है। उसके बाद कपास के पत्तों के रस में मिला करके उसे मर्दन करना है। उसके बाद आपको घृत कुमारी के रस के साथ उसे मर्दन करना है। घृत कुमारी का मतलब एलोवेरा होता है, एलोवेरा के रस के साथ उसे मर्दन करना है। अगर इस तरह से मर्दन करोगे एलोवेरा के साथ, तो वह चांदी की भांति चमकने लगता है, उजला हो जाता है। तब उस पारद को आप 16 भाग तांबा और 3 भाग अभ्रक और 1 भाग सोना और 1 भाग लोहा मिला करके कूट पीस करके मट्ठा में स्थापित करना है, यानी मट्ठा के साथ गुटिका बनाना है, गोली बनाना है, और उस गुटिका को शिवालय में ले जा करके मैं जो अभी मंत्र बताऊंगा उस मंत्र के साथ 1,00,000 बार मंत्र जाप करना है। अगर 1,00,000 बार मंत्र जाप कर लेते हो तो महागणेश की कृपा से, महादेव की कृपा से यह गुटिका सिद्ध हो जाती है। इस गुटिका को धारण करने से दोस्तों मनुष्य देवता के समान हो जाता है, वह सभी भूत प्रेतों से अधिक शक्तिशाली हो जाता है, उसका कोई भी शस्त्र भेदन नहीं कर पाता, उसे कोई भी अग्नि नहीं जला सकती, वह दोनों प्रकार के विष से नहीं मरता है। इस गुटिका को धारण करने से उसका शरीर वज्र के समान मजबूत हो जाता है, उसे आकाश गमन करने की शक्ति प्राप्त होती है दोस्तों, यानी आप आसमान में उड़ने की क्षमता रखोगे और वह अदृश्य होने और नष्ट छाया होकर के पृथ्वी पर विचरण कर सकता है और उसके घर लक्ष्मी जी का स्थायी निवास हो जाता है। तो दोस्तों, यह 28 अक्षरों का महाशक्तिशाली मंत्र इस प्रकार है। आप इसे लिख करके रख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में इस मंत्र को दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। दोस्तों, मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम गं गणपतये वर वदत सर्व जन्म में वस मनाय स्वाहा।
इस तरह से यह 28 अक्षरों का महाशक्तिशाली मंत्र है दोस्तों। यह चिंतित मनोरथ के लिए कल्प वृक्ष के समान एवं प्रयत्नपूर्वक साधना करने वालों के लिए विभूति प्रदान करने वाला है दोस्तों। तो इस तरह से इस मंत्र का, इस महामंत्र का जाप करके आप इस तरह से बनाए हुए गुटिका को सिद्ध करके आप धारण कर सकते हो और वज्र के समान शरीर मजबूत बना सकते हो और सभी शक्तियों के मालिक बन सकते हो, आकाश में गमन कर सकते हो, अदृश्य हो सकते हो, आप अलौकिक शक्तियों के मालिक हो सकते हो। तो दोस्तों आप देख लीजिए, जो भी साधक सच्चे मन से इच्छा रखता हो, श्रद्धा भक्ति रखता हो, वह इन साधना को करके सिद्धि प्राप्ति कर सकता है। मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही बहुत सी अच्छी अच्छी जानकारी जानने सुनने देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं किसी और नई अच्छी वनस्पति जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।